राजा राजा टेक्निकल इंडिया में स्वागत है आपका। तो एक तरफ है मैं दोस्तों मेरे पास 3G 113 ब्लूटूथ मॉड्यूल, और एक तरफ है दोस्तों 8403 ऑडियो मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल और चार्जिंग मॉड्यूल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों दोनों का टेस्टिंग करने वाले हैं कौन सा अच्छा है और कौन सा क्या कितना दाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों इसका फीचर्स मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसको इजीली आप दोस्तों कुछ इस टाइप से ब्लूटूथ में कनेक्ट कर सकते हो। और ये दोस्तों चार्जिंग मॉड्यूल, अगर आप इसमें बैटरी लगाते हो तो चार्जिंग मॉड्यूल तो आपको अलग से लगाना ही पड़ेगा। अगर स्पीकर बना रहे हो तो चार्जिंग मॉड्यूल भी इसके साथ हमें चाहिए दोस्तों। तो एक चार्जिंग मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल और एक ऑडियो मॉड्यूल इसके साथ लगता है दोस्तों। के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर को भी कनेक्ट कर दिया है। दोनों जो बोर्ड है उसमें दोस्तों यही वाला स्पीकर का हम यूज करेंगे, तो उसे थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। तो इसमें इतना ही मिलता है, जब बस चार्जिंग कर सकते हो और इसमें ना ही तो वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। तो इस TG 113 किट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करना है और यहाँ पर स्पीकर को। यहाँ बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि दोस्तों इसका वायर भी दिया रहता है कुछ इस टाइप से, बस इसको आपको लगा देना है बैटरी में कनेक्ट करके। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है इससे दोस्तों वायरिंग में। और इसमें दोस्तों USB और यहाँ पर SD कार्ड लगाने के लिए, यहाँ पर दोस्तों छोटे मोबाइल में भी कनेक्ट करने के लिए पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा बटन भी देख सकते हो, इसे ऑफ ऑन कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, इससे नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फ्यूचर मिल जाता है दोस्तों फीचर्स। तो इन दोनों को दोस्तों पहले टेस्टिंग करते हैं कौन सा कितना आवाज़ दे रहा है, कौन सा कितना अच्छा आवाज़ दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस वाले बोर्ड को टेस्टिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो इसका कनेक्शन मैंने कर लिया है, बस इसको पावर देना है दोस्तों, तो पावर दे देते हैं इसको। तो फाइनली दोस्तों मैंने स्पीकर में कनेक्शन कर दिया है दोनों मॉड्यूल का। तो उसके बाद दोस्तों बैटरी भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो माइनस में दोस्तों मैं माइनस को कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से दोस्तों, आप कर सकते हो कनेक्ट। और प्लस में मैं दोस्तों कनेक्ट नहीं करूँगा, बस इस टाइप से सता के दिखा। तो देख सकते हो इजीली ये वर्क कर रही है, कुछ इसी टाइप से ही वर्क करती है। इसको भी दोस्तों मैं कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो इस मोबाइल से मैं दोस्तों कनेक्ट कर लिया हूँ। तो एक NCS म्यूजिक बजाते हैं कोई सा। तो देखा दोस्तों कुछ इसी टाइप से ये वर्क करती है। इसमें होता है क्या दोस्तों, स्पीकर थोड़ा सा फटता है दोस्तों, लेकिन मेरा स्पीकर भी दोस्तों खराब है। झूठ क्या ही बोल रहे हैं, स्पीकर थोड़ा सा मेरा खराब है दोस्तों, चर-चर आवाज आता है। लेकिन इसमें दोस्तों अगर 5 वाट या फिर 6 वाट तक का लगाओगे स्पीकर तो एकदम मस्त वर्क करेगी। तो अब दोस्तों TG 113 किट को भी टेस्ट कर लेते हैं। सेम बैटरी से मैं दोस्तों करूंगा टेस्ट और सेम स्पीकर भी रहने वाला है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको भी टेस्ट। फाइनली दोस्तों मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है और स्पीकर को भी दोस्तों कनेक्ट कर लिया है। तो इसे ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो चुका है दोस्तों, और इसे मैं दोस्तों पेयर कर लेता हूँ मोबाइल के साथ। तो यहाँ सर्च करते हैं दोस्तों। तो ये सर्च हो रहा है, तो यहाँ आ चुका है। तो इसे कनेक्ट कर लेना है दोस्तों में। तो ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो NCS म्यूजिक में बजाता हूँ दोस्तों। तो फिर से बजाते हैं दोस्तों NCS म्यूजिक की इस वाले मॉड्यूल से। तो इसमें दोस्तों साउंड थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है ना उससे। उसमें क्या होता है दोस्तों, 6 वाट तक ही सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ 5 वाट तक दिया है, लेकिन ये 10 वाट तक अच्छे से कर लेता है। लेकिन वो दोस्तों 10 वाट तक का दिया रहता है, लेकिन 6 वाट तक ही कनेक्ट करता है। अगर इसमें 5 वाट या फिर 6 वाट तक बजाते हो तो एकदम मस्त पूरा अच्छे से वर्क करेगी। तो इसे बजाते हैं फिर से दोस्तों।
दिया है तो इसे क्लिक करते हैं। FM mode. Bluetooth mode. तो ये वापस ब्लूटूथ पे आ चुकी है और कनेक्ट भी हो चुका है, तो फिर से बजाते हैं। इसको ऑफ कर लेते हैं दोस्तों। प्राइस वगैरह बता देता हूँ कितने में कौन सा मैंने खरीदा है, तो इससे ऑफ ही कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर कोई सा भी ब्लूटूथ बनाते हो तो उसमें अलग से स्विच लगाना पड़ेगा और इतना सारा फ्यूचर भी उसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर एसडी कार्ड वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, इजीली बजा सकते हो इससे। तो ये मिला है दोस्तों मुझे 80 रुपये का, और इसमें दोस्तों ये 30 रुपये है और ये 50 रुपये और ये 40 रुपया, तो हो गया 50 और 30 हो गया कितना 80, और ये 120 रुपये का ये पड़ता है और ये पड़ता है दोस्तों 80 रुपये का। तो दोस्तों ये 40 रुपये ज़्यादा ही पड़ता है, इसमें इतना फीचर्स भी नहीं मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों ये वाला ख़रीदने के लिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। तो ये वाला आप ख़रीद सकते हो, लेकिन ये भी दोस्तों हम खरीदते हैं छोटे छोटे जगह पे, इसका काम आ सकता है। तो दोनों बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अच्छा सा स्पीकर बनाना है तो TG-113 अगर मिल रहा है तो आपको वो खरीद सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।